हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, एक्सेल सीरीज अपनी चल रही है और आप लोग को पीछे बैकग्राउंड में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा हाउ टू मार्क एक्सेल फॉर्मूलाज डायनेमिक अपडेट। मतलब आज आप लोग जो डेटा देखने वाले हैं, एक्सेल का जो फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, वो एक डायनेमिक अपडेट वाले फॉर्मूलाज हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो सीट बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। कोई भी व्यापार हो, किसी भी प्रकार का अपना शॉप होता है, उसके अंदर जो माल मटेरियल होता है, अपने पास गोडाउन होता है, उस गोडाउन का स्टॉक रखने के लिए आप लोग इस वाली डायनेमिक टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ऑटोमेटिक डायनेमिक प्रयोग होगी अपने पास कि जैसे मुझे मान लीजिए किसी कंपनी का माल जानना है, क्वांटिटी जानना है, तो मैं इस टेबल का प्रयोग करके उस स्टॉक को मेंटेन रख सकता हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने लिए। और इसमें जितने भी फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी फॉर्मूलाज फुल डायनेमिक है, ऑटोमेटिक काम करने वाले हैं और फुल एडवांस वाले फॉर्मूलाज हैं। तो आज का जो वीडियो है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। जब भी टाइम मिले आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। और एक्सेल के और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे और भी अटेंडेंस शीट है, सैलरी पैनल है, बहुत सारे वीडियोज अपने चल रहे हैं, एक्सेल की सीरीज चल रही है अपनी प्रॉपर। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इनके सभी के लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग सभी वीडियोस जरूर देखें ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आए। और इस डायनेमिक टेबल को आप लोग तैयार कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आज आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो चलिए, आप लोग ज्यादा समय खराब नहीं करते और अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, अपनी एक इस प्रकार का डिजाइन आप लोग का बना हुआ है। देखिए, फॉर्मेट आप लोग बना लेना पहले से, क्योंकि मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, आपको फॉर्मेट बना के बताऊंगा, तो अभी अपना टाइम काफी हो जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो होगा अपना। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अपना एक बना हुआ डेटा है, इस प्रकार की सीट आप लोग बना लेना और इसमें आप लोग कॉलम मर्ज मत करना, कॉलम मर्ज कर सकते हैं आप लोग, रो मर्ज मत करना। पहले बता देता हूँ इस कंडीशन इस डेटा की कि आप लोग रो को मर्ज नहीं करना है, कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉलम, मैंने कंप्लीट कॉलम मर्ज कर रखे है, जैसे एच से लेकर एम तक कॉलम मर्ज कर रखे है। तो थोड़ा सा इस टेबल के बारे में बता देता हूं कि आप लोग मर्ज कर सकते हैं, इस प्रकार की एक टेबल आप लोग को तैयार कर सकते हैं। फॉर्मेट आप लोग किसी भी प्रकार का तैयार करें, आप लोग फॉर्मूलाज पे चलते हैं डायरेक्टली। तो देखिए, आप लोग को कैसे कैसे विधि के रूप में आप लोग को इस्तेमाल करना है इस डेटा को। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूलाज यूज करने से पहले इस टेबल के लिए अपन को कुछ करना होगा। तो देखिए, इस प्रकार का आप लोग के पास एसआर नंबर, आइटम नेम, कंपनी नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल का कॉलम दिया है। टोटल अभी कॉलम आप लोगों ने यहाँ पे नहीं किया है। जैसे आप लोग मान लीजिए टोटल करना चाहते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं टोटल के लिए, आप लोग यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। थोड़ा सा आप लोग फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देते हैं। तो देखिए, यहां पर आप लोग यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल लगाया और रेट वाले कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, तो अपने पास एक अमाउंट आता है। देखिए, अपने पास अभी जो अमाउंट आ रहा है एक सिंगल कॉलम आ रहा है। फिर अपन लोग फिल हैंडल में जाएंगे और यहां पर डबल क्लिक करेंगे, तब जाके अपने पास ये डेटा तैयार होगा। बट मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार का डेटा तैयार हो। अब मैंने यहां पर इस प्रकार का डेटा लिया है और मैं एक बार थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं टोटल सम करना चाहता हूं कि ये जो अमाउंट हुआ है, इस प्रकार का मुझे एक सम यहां पर करना है। तो मैंने यहां पर सम का एसयूएम सम फॉर्मूला यूज किया और मैंने ये जो टोटल वाला कॉलम था ये कंप्लीट सेलेक्ट करके कोष्टक बंद कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर इन टोटल संख्याओं का योग तो अपने पास 35,600 आ गया है। बट मैं ये चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 नंबर की एक एंट्री आती है, 10 नंबर का माल मेरे पास आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास रेम ही खरीद ली मैंने और मैंने एबीसी कंपनी की, कंपनी देखिए आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना, और मैंने 100 खरीदी है और सॉरी 100 रुपए की रेट है उसकी, और मैं यहां पर क्वांटिटी दे रहा हूं 50। एंटर किया तो देखिए अमाउंट तो यहां पर 5,000 हो गए अपने पास। क्या अपने पास यहां पर अपडेट हुआ अमाउंट? नहीं हुआ। तो इस प्रकार का डेटा आप लोग क्यों यूज करेगी जो अपना बार बार आप लोग को टेबल को अपडेट करना पड़ रहा है? तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे मैं यहां पर एंट्री करूं, यहां पर जो मैंने एंट्री डाली है वो ऑटोमेटिक इन सभी डेटाओं में अपडेट होना चाहिए। और इस वाले फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, एक डायनेमिक अपडेट इसीलिए नाम दिया है कि ये ऑटोमेटिक अपडेट होगी। अब ये अपडेट होगी कैसे, इसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं और कैसे अपन लोग इसको यूज करेंगे ताकि अपने ये डायनेमिक रूप में अपने पास अपडेट हो, तो बने रहे इस वीडियो के अंदर एंड तक। मैं बताता हूं जल्दी से आप लोग को फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं इन फंक्शंस को। तो चलिए, अपन लोग बात करते हैं, ये सम अपन लोग आज तक लगाए, ये अपन लोग यूज नहीं करेंगे।
अब मैं एक बार जो एंट्री की थी इसको भी क्लियर कर देता हूँ, और ये जो टोटल योग किया था इनको भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब अपन अपने मुद्दे पे आते हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जो डेटा आप लोगों ने बनाया है, इस डेटा को चाहे आप लोगों ने मैटर एक लिखा हो चाहे पांच मैटर लिखा हो, कैसा भी आप लोगों ने लिख रखा है, उस डेटा को आप लोग कंप्लीट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग इंसर्ट मेन्यू में चले जाएं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर अपने पास एक टेबल ऑप्शन आता है, टेबल की शॉर्टकट होती है Ctrl+T। शॉर्टकट जरूर आप लोग याद रखें, Ctrl+T का प्रयोग करके टेबल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग टेबल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर रेंज ऑप्शन आ रहा है कि आप लोग किस डेटा को, अगर आपने डेटा सिलेक्शन नहीं बना रखा है तो आप लोग यहाँ पर डेटा सिलेक्शन भी बना सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन नहीं बना रखा, सिलेक्शन पहले से बना हुआ था नहीं होता, तो आप लोग यहाँ पर जितना डेटा था उस डेटा को कंप्लीट को सिलेक्ट भी कर सकते थे। इसके बाद में अपने पास आता है माई टेबल्स हैज हेडिंग। क्या आप लोगों ने जो टेबल में जो डेटा में हेडिंग बना रखा है, क्या आप लोगों ने ये जो डेटा में हेडिंग बना रखा है इसे ही आप लोग हेडिंग रखना चाहते हैं या फिर एक नए कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं हेडिंग के लिए, तो आप लोग को एक बात जरूर ध्यान रखना है, ये ऑप्शन अगर डिस्कनेक्ट रहेगा तो आपके पास यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी रेट कंपनी आइटम नेम SR नंबर आ रहा है ये आपका हेडिंग में नहीं होगा। एक नया कॉलम क्रिएट होगा जिसमें आप लोग को हेडिंग डालना होगा, इनके लिए हेडिंग बनाना होगा। अगर आप लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो आपके पास ये जो हेडिंग डाल रखी है आप लोगों ने यही आप लोग की हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और ये पूरा डेटा आप लोग का टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपका डेटा एक टेबल में कन्वर्ट हो गया, डायनेमिक रूप में आप लोग का कन्वर्ट हो गया। अब ये टेबल में कन्वर्ट होने पे अपने पास कुछ अलग तरीके से काम करेगा। देखिए आप लोग यहाँ पर अब तक आप लोगों ने यूज किया था, मल्टीप्लाई किया तो अलग तरीके से आ रहा था, अब आप लोग को एक ही कैंडिडेट का बनाने की जरूरत है। आप लोग यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, रेड कॉलम देंगे, देखिए कॉलम का नाम भी बदल चुका है यहाँ पर। अब टेबल में कन्वर्ट हो गया डेटा तो टेबल के फॉर्मेट में आप लोग के पास कॉलम्स आएगा, तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें। फॉर्मूला को याद कैसे करना है, इक्वल रेट वाला कॉलम मल्टीप्लाई क्वांटिटी वाला कॉलम। अब ये याद नहीं रहना है कि ये छोटा कोष्ट बड़ा कोष्टक चालू किया, एट दी रेट रेट कॉलम कोष्टक बंद किया, ये आपको याद नहीं रखना है। ये टेबल में बदल रहा है, आपके कहीं और बदल के आएगा, तो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल रेट वाला कॉलम मल्टीप्लाई क्वांटिटी वाला कॉलम, एंटर करेंगे तो देखिए मैंने एक कैंडिडेट का किया है, मैंने अभी आपका एक आइटम का किया है मैंने, अभी आप देख रहे होंगे आपके नो एंट्रीज थी तो नो एंट्रीज का ऑटोमेटिक आपके ऑटोमेटिक अपडेट रूप में आपके पास वो कंप्लीट डेटा देखिए आप लोग के पास अपडेट होकर आ गया है। तो इस प्रकार की यूज करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करें, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग इसको डेटा को इस्तेमाल करें, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को टेबल में कन्वर्ट करना था, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में उन डेटाओं को मल्टीप्लाई करना था। अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि अपने जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, अब मैं सम भी यूज करूंगा यहाँ पर, इन टोटल संख्याओं का योग भी करूंगा तो डायनेमिक होना चाहिए। तो देखिए यहां पर अब मैं यहां पर आकर सम लगा रहा हूं, कॉन्स्टक लगाया मैंने। देखिए पूरा वीडियो देखना है तभी समझ में आएगा कि अपन लोग इसे डायनेमिक कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो पूरे वीडियो में बने रहे। आप लोग इक्वल लगाया, सम लगाया और अब मैंने टोटल वाला कॉलम कंप्लीट सेलेक्ट किया। देखिए सिलेक्शन जो बना रहा हूं ये बात जरूर ध्यान रखें, टोटल वाला कॉलम कंप्लीट आप लोग को सिलेक्ट करना है। टोटल वाला कॉलम कंप्लीट सिलेक्ट किया, कोष्टक बंद कर दिया। अभी देख रहे हैं आप लोग कि एक जो सिलेक्शन बनाया है ये सिलेक्शन की रेंज का डेटा भी चेंज होके आ रहा है, क्योंकि डेटा अपना किस में कन्वर्ट है, टेबल में कन्वर्ट है और टेबल का डेटा हमेशा डायनेमिक होता है, एक बात जरूर ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पर टेबल का जो रेंज सिलेक्शन होता है ना वो डिफरेंट आता है आपका। नॉर्मली बेसिक सेल आप लोग नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं तो सेल का नाम दिखाई देता है, अभी आप लोगों ने टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है डेटा और अब टेबल में कन्वर्ट किए हुए सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो अब टेबल वाला नेम आप लोग को दिखाई देगा। तो इस ये घबराने की जरूरत नहीं है और आपको ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या लिखना है आप लोग को, जब भी आप लोग फॉर्मूला लिखे इस वीडियो को देख के, तो आप लोग इक्वल सम कोष्टक टोटल वाला कॉलम कंप्लीट सेलेक्ट, ये बात जरूर ध्यान रखें। टोटल वाला कॉलम कंप्लीट सेलेक्ट का मतलब यह है कि टोटल वाला कॉलम आप लोग को कंप्लीट सेलेक्ट करना है ताकि आप लोग का डेटा यहां पर आएगा। आप लोग एंटर करेंगे तो देखिए आपका टोटल वाला कॉलम कंप्लीट आ गया है। अब पूरी टेबल पे आप लोग ध्यान बनाए रखें, मैं एक एंट्री मार रहा हूं, 35,600 रुपए आपका है अमाउंट। अब मैंने 10 नंबर एंट्री मेरे पास आई है,
मैंने 10 नंबर एंट्री डाली और मान लीजिए मैंने रैम ही खरीद लिया और एबीसी कंपनी का माल खरीदा है और मान लीजिए उसकी रेट थी 200-300 रुपए और मैंने 50 रैम खरीदी है क्वांटिटी में। देखिए मैं एंटर करूंगा, जैसे ही एंटर करूंगा तो अपडेट डेटा यहां तो होगा ही होगा, अपना टोटल योग होगा ही 15,000। बट देखिए आप लोग यहाँ टोटल अमाउंट में भी देखिए आपको क्या सम में डेटा में बदलाव करना पड़ा, अपडेट करना पड़ा, नहीं, ये ऑटो डायनेमिक आपका अपडेट हो रहा है। तो देखिए सम का मैंने डेटा जो एक नॉर्मली आप लोग को पहले भी समझा रखा है और यहां पर अभी मैं डायनेमिक रूप में समझा रहा हूं कि टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में डेटा इस प्रकार से आप लोग का काम करता है। अब अपनी जिस डेटा के लिए आप लोग जानने काम करने जा रहे हैं उस डेटा के बारे में आप लोग थोड़ा बात करते हैं। ये तो अपना हो गया सम के लिए, तो कर लेंगे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए इस टेबल को। इसके बाद में अपने पास आता है सम इफ, बहुत एडवांस फंक्शंस देख रहे हैं। सम इफ फंक्शंस क्या काम करता है, देखिए सम का मतलब होता है जोड़ना, इफ का मतलब होता है कंडीशन। देखिए कंडीशनली जोड़ना अपन लोग को डेटा को यूज करना है। अपन लोग चाहते हैं कि जब भी मैं यहां पे आइटम नेम डालू, यहां पर जब भी मैं कोई आइटम नेम डालू तभी अपने पास उस आइटम की उस पूरी टेबल में से जो क्वांटिटी है, कि जैसे मान लीजिए मैंने रैम डाला और रैम की एंट्री हो रखी है 10 जगह, अब मैं चाहता हूं कि टोटल रैम आप लोग की यहां पर आ जाए कि मैंने अब तक रैम कितनी खरीद ली। जैसे मान लीजिए मैंने कभी 5 खरीदी, कभी 10 खरीदी, कभी मैंने 15 खरीदी, अब 15, 5, 10 ऐसे करके अपने पास एंट्री हो रही है, लगभग 30, 35, 40 रैम आ रही है, वो अलग अलग जगह है। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं रैम डालू टोटल योग होकर यहां पर आ जाए और हमें बता दे कि यहां पर रैम है 20, 25, 30 जो भी आपकी है। तो ये कैसे संभव हो सकता है, तो यहां पर आप लोग को फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाना है आप लोग को, तो यहां पर चलेंगे और यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे SUM, सम इफ कोष्टक, सम इफ कोष्टक टोटल टेबल सेलेक्ट। अब एक बात जरूर ध्यान रखिए आप लोग, टोटल टेबल में ये SR नंबर वाला डेटा आपको नहीं देना है, टोटल टेबल में आइटम नेम, कंपनी नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल वाला ही देना है। तो आप लोग को यहां पर क्या करना है, सम इफ कोष्टक आइटम नेम से टोटल टेबल सेलेक्ट, जितनी भी टेबल आप लोगों ने बनाई है तो टोटल टेबल सेलेक्ट कर दो आप लोग, कि ये जो टेबल सिलेक्शन दिख रहा होगा आप लोग को SR नंबर नहीं लेना है, क्योंकि SR नंबर ये फर्स्ट डेटा हो जाएगा तो फिर आप लोग का ये डायनेमिक रूप काम नहीं करेगा। तो SR नंबर नहीं लेना है, वो तो एक डेटा का फॉर्मेट बनाने के लिए आप लोगों ने दिया है। तो अभी आप लोग को यहां पर टोटल टेबल सेलेक्ट करनी है आइटम नेम से लेकर टोटल तक। टोटल टेबल सेलेक्ट हो गई आप लोग की, अब जानना क्या चाहते हैं आप लोग, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भी मैं आइटम नेम लिखूं, जब भी मैं आइटम नेम लिखूं, आइटम नेम लिखूंगा किस में, इस कॉलम में लिखूंगा, तो इस कॉलम का आप लोग को डेटा सेलेक्ट करना होगा कि जब भी मैं ये के एट कॉलम है इसमें आइटम नेम लिखूं तो इस पूरी टेबल में से, इस पूरी टेबल में से कोमा मेरे पास क्वांटिटी वाला कॉलम, ओनली क्वांटिटी पे क्लिक करना आप लोग को, ओनली क्वांटिटी पे क्लिक करना है, टेबल पूरे कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना, ऑटोमेटिक दे देगा क्योंकि वो टेबल में कन्वर्टेड डेटा। और आप लोग यहां पर कोष्टक बंद करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाया आप लोगों ने, इक्वल सम इफ कोष्टक टोटल टेबल सिलेक्ट कोमा आइटम नेम, जहां डाल रहा हूं उस आइटम नेम का कॉलम सिलेक्ट, कोमा क्वांटिटी वाले कॉलम पे क्लिक, मतलब जहां क्वांटिटी आप लोगों ने दिया है उस क्वांटिटी वाले कॉलम को आप जैसे क्लिक कर दोगे तो वो डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट है, वो उसमें ऑटोमेटिक डेटा क्या करता है, वो कैच करता है। तो यहां पर क्वांटिटी वाले कॉलम पे आप लोग को क्लिक करना है, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए अपने पास अभी रिकॉर्ड दिखा रहे हैं 0 कि आप लोगों के पास अभी कोई आइटम नेम नहीं डाला हुआ। तो यहां पर आप लोग को क्या डालना होगा, आइटम नेम, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर रैम डाल दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर रैम डाल दिया है, थोड़ा मैं फॉन्ट साइज को सेट कर लेता हूं, यहां पर मैंने रैम डाल दिया, जैसे ही मैं रैम डाल के क्लिक कर रहा हूं तो देखिए आपको यहां पर 65 रैम बता रहा है। क्या अपने पास इस पूरी टेबल में 65 रैम है, ये बात भी अपन लोग यहां पर क्लियर करते हैं। तो देखिए अपने पास रैम की एंट्री है, कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, 5 रैम अपने पास खरीदी हुई है, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, कंपनी ऑल कंपनी की बता रहा है। यहां पर बोल रहा है कि आप लोगों को सिर्फ आइटम नेम डालना है, कंपनी के बारे में अपन लोग अभी बात नहीं कर रहे। तो यहां पर आ रहा है कि अपने पास रेम आ रही एबीसी कंपनी, 5 आ गई अपने पास, फिर चलते हैं अपने पास 5 फिर आ गई 10 हो गई अपने पास, फिर रेम। अब देखिए स्मॉल और कैपिटल का भी यहां पर कोई फर्क नहीं है कि स्मॉल और कैपिटल, आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखिए कि स्पेस नहीं देना है, डेटा सही होना चाहिए, सही सिक्वेंस में होना चाहिए, पहले बताया। फिर यहां पर आई 5 अपने पास, 15 हो गई, फिर अपन लोगों ने
अभी 50 फ्रेम और भी खरीद लिया अपन लोगों ने, तो देखिए 50 और 15 अपने पास 65 फ्रेम अपने पास क्लियर हो गई है। अगर आप जो भी आइटम नेम यहाँ पर डालोगे वैसे ही अपने पास यहाँ पर क्या होगी, टोटल क्वांटिटी बदलती रहेगी। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं भी स्टॉक का डेटा काम कर रहे हैं और स्टॉक में मालिक बोलता है कि आप लोगों को कोई स्टॉक बताना है, तो आप लोग टोटल स्टॉक बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 300 रैम खरीद रखी है, जैसे ही आप लोग रैम डालेंगे वैसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको स्टॉक बता देगा कि ये इतना स्टॉक आप लोग के पास डेटा अवेलेबल है, तो तुरंत आप लोग को बताना है, वहां पे काउंट नहीं करना है डेटा। जो भी आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर डाला है माउस डाला, तो देखिए माउस आप लोग की क्वांटिटी जो है माउस बता देगा। अगर मान लीजिए आपके पास और भी क्वांटिटी आ रही है, आप लोग डालते जाइए, ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा आपका डेटा, आपको बार बार उसमें डालने की एंट्री को फॉर्मूला को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक अपडेट रहेगा। अब अपने पास बात आती है कि ये सर आइटम नेम जो डाल रहे हैं बार बार आप लोग को एंट्री मारना रहे कि आप लोग बार बार यहाँ पे आइटम नेम लिख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई 100-200 आइटम अपने पास बार बार आप लोग उसको अपडेट करेंगे, तो ये अपडेट कैसे आप लोग यहाँ पर एक लिस्ट ही बना के रख ले कि यह आइटम अपने पास बार बार आप लोग को अपडेट ना करना पड़े, एक लिस्ट खुल जाए आइटम की और आप लोग उस आइटम को वहां से सिलेक्ट करें तो फिर अपने पास वो आइटम क्वांटिटी यहाँ पर बताना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट अपन को करना होगा, इसके लिए देखिए थोड़ा सा आप लोग आइटम वाला जो कॉलम है इसको आप लोग को सिलेक्ट करना, एक नया फॉर्मूला इसके साथ में आप लोग को बता रहा हूँ, आइटम वाला कॉलम आप लोग सिलेक्ट कर लेना, इसे कॉपी कर लेना, कहीं भी आप लोग नीचे कहीं भी आप लोग इसे पेस्ट कर सकते हैं, आप लोग जहां भी चाहें वहीं पर आप लोग इसे पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जो डेटा लिया है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रैम की एंट्री 3 या 4-5 बार रैम की एंट्री है, माउस की एंट्री 2-3-4 बार है और आप लोग देख रहे हैं कीबोर्ड की भी एंट्री है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो डेटा आया है अपने पास इसको ऐसे कैसे देंगे तो वो लिस्ट के अंदर बार बार एंट्री आप लोग को नाम बताएगा, हम लोग चाहते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री हो रखी है, डुप्लीकेट वाली एंट्री रिमूव हो जाए और अपने पास इन आइटम में से सिंगल नेम आप लोग के पास यहाँ पर रह जाए। तो आप लोग एक फंक्शन और सीख रहे हैं कि साथ ही में अपने पास ये जो डेटा है इसमें से आप लोग डुप्लीकेट एंट्री है रिमूव होना चाहिए। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर जाना है डेटा मेन्यू में और यहाँ पर अपने पास फंक्शन आता है डेटा टूल के ऊपर, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पर डेटा टूल अपने पास होता है, इसके अंदर अपने पास आता है रिमूव डुप्लीकेट एंट्री। आप लोग जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर बोलेगा कि आप लोग ऑल सेलेक्ट डेटा, हाँ ऑल सेलेक्ट, आप लोग के पास जितनी भी एंट्री डुप्लीकेट होगी बाकी की हट जाएंगी और अपने पास सिंगल सिंगल एंट्री क्या रहेंगी एड होके रहेंगी। तो अभी अपने पास जितनी भी एंट्री थी इन डुप्लीकेट एंट्री में आप लोग या तो आप लोग लिस्ट अलग से बना लीजिए, नहीं बना पाते हैं और उस लिस्ट में से लेना चाहते हैं तब मैंने आप लोग को ये फंक्शन बताया है कि आप लोग अपनी डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कर दीजिए। अब आप लोग चले जाइए अपने माउस वाले फंक्शन में, आप हम बार बार यहाँ पर नाम नहीं देना चाहते कि नाम लिखे बार बार, हम लोग इसे डायनेमिक ही बनाना चाहते हैं। तो देखिए आप वापस से आप लोग को डेटा मेन्यू में ही आना है और आइटम वाले ब्लैंक कॉलम को सिलेक्ट करके रखें और डेटा मेन्यू में आना है। देखिए वीडियो बड़ा होगा बट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये बहुत स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको बता दूं, और ये एडवांस फंक्शन है, वीडियो बड़ा है। देखिए आप लोग तो यहां पर चल रहे हैं, आप लोग डेटा मेन्यू में जाना है और यहां पर अपने पास आप लोग यूज करेंगे यहां पर डेटा वैलिडेशन। देखिए डेटा वैलिडेशन का भी एक प्रॉपर वीडियो आप लोग को बनाकर मैं यहां पर अपलोड करेंगे आप लोग, तो आगे जाकर आप लोग एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन का भी वीडियो डालेंगे। ये डेटा वैलिडेशन एक्सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, अभी अपने लिए जरूरत है उस फंक्शन को यूज करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ आइटम नेम सेलेक्ट करके रखें और डेटा टूल के अंदर आप लोग डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, एक फंक्शन आप लोग के पास खुलेगा, यहीं पर अपने पास सेटिंग ऑप्शन होता है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये फंक्शन आप लोग को, यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन आता है, सेटिंग ऑप्शन पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाउ पे, तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट ऑप्शन आ रहा है, लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग को एक स्कोर पूछ रहा है कि आपके पास जो डेटा लिस्ट है उसको आप लोग सिलेक्ट करें। आप लोग जैसे ही डेटा सिलेक्ट लिस्ट बना देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर आके देखेंगे एक लिस्ट तैयार हो गई। आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लोग माउस से तो माउस देख लीजिए, आप लोग को कीबोर्ड चाहिए कीबोर्ड देख लीजिए, जैसे आप लोग कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड बता देगा आप लोग को, रैम चाहिए तो रैम बता देगा आप लोग को, अगर आप लोग को हार्ड ड्राइव चाहिए तो हार्ड ड्राइव बता देगा। देखिए ऑटो डायनेमिक आप लोग के पास काम कर रही है, मतलब बहुत सारे मैजिक जादू ही आप लोग के पास क्रियाएं बता रहा हूं। आप लोग इन प्रकार का फंक्शन यूज करके आप लोग इस प्रकार के एक डायनेमिक टेबल बना सकते हैं
ताकि आप लोग का पूरा डेटा ऑटोमेटिक काम कर सके, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस प्रकार के बड़े बड़े जो स्टॉक होते हैं अपने गोडाउन में, वो आइटम्स होते हैं, उनके लिए आप लोग इस प्रकार की टेबल तैयार करते हैं। उसी प्रकार का ये एडवांस फॉर्मूला आप लोग को बता रहा हूं। तो इस प्रकार का आप लोग यहां पर डेटा यूज कर सकते हैं। टोटल क्वांटिटी बता रहा आपको, पहले बता रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन अपने पास आता है डीसम। देखिए डीसम फंक्शन, अभी सम इफ फंक्शन काम कर रहा था आइटम नेम के हिसाब से क्वांटिटी बताना, अब डीसम फंक्शन आ रहा है अपने पास। अब तीन कॉलम अपने पास है, आपको बता दूं, पहला कॉलम आइटम नेम, दूसरा कॉलम है कंपनी नेम और तीसरा कॉलम है क्वांटिटी। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमें आइटम नेम के हिसाब से, कंपनी नेम के हिसाब से क्वांटिटी जानना है। कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा आया आपके पास कि मुझे भैया डेल का ही माउस चाहिए, अब उसे कंपनी के हिसाब से आइटम चाहिए। कोई आदमी आया था कि अपन को ओनली रैम चाहिए, अब कंपनी कोई भी हो आपको, आपके पास रैम अवेलेबल कितनी है, मेरे पास 65 रैम थी, अब उसमें चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, एबीसी कंपनी हो या एक्सवाईजेड कंपनी की हो, अपन लोगों को दो ही कंपनी दे रखी है। ये बेसिकली कंपनी आप लोग को बताई है मैंने, आप लोग कंपनियों के नाम सर्च करके आप लोग डालेंगे, वो तो कंपनी वाले बताएंगे आप लोग को आइटम के हिसाब से। तो यहां पर आप क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि अपने पास कि आप लोगों को कंपनी नेम के हिसाब से, आइटम नेम के हिसाब से क्वांटिटी जानना है कि मेरे पास ये आइटम है, इसकी कंपनी फलानी है और उसके पास क्वांटिटी कितनी है, कि फलानी कंपनी की आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, तो ही आप लोग वहां पर ऑर्डर कंपनी उस कस्टमर को दे पाओगे। वरना आप लोग गिनने बैठ जाओगे कि चेक करने बैठ जाओगे तो वो कस्टमर चला जाएगा। तो ये सब कस्टमर को ज्यादा समय खराब ना करके आप लोग फटाफट माल आप लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक अपडेट डेटा भी अपना रह रहा है, तो आप लोग को पता भी चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो यहां पर आ रहा है आइटम नेम के हिसाब से, कंपनी नेम के हिसाब से क्वांटिटी। बट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं इसके लिए थोड़ा सा एक अपना बात क्या है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, अपन ऊपर वाले फंक्शन पे तो ज्यादा अपन लोग इस पे नॉर्मली अपन लोगों ने यूज कर लिया, हो गया अपना। बट अब थोड़ा सा अपने पास सवाल आएगा अपने कि आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये जो आइटम नेम है, ये जो मैंने मार्क किया है ये आइटम नेम, और ये जो कंपनी नेम है, इन बातों का ध्यान रखना है कि ये वाला नेम और ये आइटम नेम और ये कंपनी नेम, ये जो आप लोग को टेबल में दिख रहा है ये आइटम नेम, और ये जो कंपनी नेम दिख रहा है टेबल के अंदर ये कंपनी नेम, ये सेम होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कंपनी लिखकर स्पेस दे दिया तो फिर आप लोग का डेटा नहीं लेगा। अगर यहां स्पेस है तो यहां पर भी स्पेस होगा। ये बात मैं आप लोग को पहले बता रहा हूं कि आप लोग आइटम नेम और कंपनी नेम ये सेम होना चाहिए। अगर आप लोगों ने स्मॉल में लिखा है, स्मॉल में पहला कैपिटल है तो पहला कैपिटल, बाकी के स्मॉल, यहां कैपिटल लिखकर यहां स्मॉल लिखोगे आपका डेटा मैच नहीं करेगा, क्योंकि अब आपकी टेबल में ये जो डेटा फॉर्मूला में इस्तेमाल होने वाला है तो ये दोनों सेल एक साथ आपके इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि आइटम नेम और कंपनी नेम से आप लोग का डेटा यहाँ पे फेच होगा, मतलब आप लोग का मैच होगा, तभी आप लोग का डेटा यहाँ पर क्या होगा आपको क्वांटिटी बताएगा, वरना आप लोग को क्वांटिटी नहीं बताएगा। फिर कहोगे कि सर मेरे यहाँ पर जीरो क्वांटिटी आ रहा है, आपके प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बट इस प्रॉब्लम का मैं अभी आप लोग को समाधान बता दिया हूं कि आप लोग ये आइटम नेम और ये कंपनी नेम आप लोग का सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम है तो आप लोग की कहीं भी डेटा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आप लोग का यहाँ पर जीरो ही रिकॉर्ड दिखाएगा। चाहे आप किसी भी आइटम का नाम डालोगे, कंपनी का नाम डालोगे, तो भी आप लोग को डेटा नहीं दिखाएगा। तो ये बात आप लोग को मैंने कंफर्म कर दी है, मार्क करके बता दिया, सेम नेम होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट कैपिटल स्मॉल का भी फर्क नहीं होना चाहिए, सेम डेटा होगा तो ही आप लोग का आएगा। पहले वाले फंक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये चल सकता था डेटा, क्योंकि वो नॉर्मली सेल से फंक्शन छुटा रहा था अपना। तो चलिए आप लोग अपने फंक्शन के आगे बात करते हैं, फंक्शन को लगा के देखते हैं कि फंक्शन अपने पास कैसे काम करता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे डी सम फंक्शन आ रहा है, आप लोग यहाँ पर क्वांटिटी में यूज करते हैं इस फंक्शन को। तो चलिए आप लोग अपने फंक्शन पे चलते हैं और फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं इस फंक्शन के लिए। तो यहां पर आप लोग को एक फॉर्मूला लगाना है डी सम, देखिए जोड़ना ही है सम, मतलब वही बात आ रही है, कॉस्टक लगा, और अब मैंने बोला कि वही आइटम नेम और कंपनी नेम, ग्रेट क्वांटिटी वाला टोटल वाला कॉलम, मतलब टोटल टेबल सेलेक्ट, मैंने बोला है डी सम इक्वल डी सम कोष्टक टोटल टेबल सेलेक्ट कोमा। अब यहां पर बोल रहा है कि मुझे यहां पर आई क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने क्वांटिटी वाला कॉलम क्लिक कर दिया कि मुझे यहां पर टोटल टेबल में से क्वांटिटी चाहिए किसके बेस पे, कोमा
आइटम नेम के हिसाब से और कंपनी नेम के हिसाब से। अब देखो आप लोग को बता दूं, ये जो फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने, ये फॉर्मूला मैं मार्क करके भी बता देता हूं आप लोग को कि ये लगा कैसे है। देखिए आप लोग को इक्वल डी सम लगाया, डी सम लगाने के बाद में ये मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये टोटल टेबल आप लोगों ने सिलेक्शन बनाया है, टोटल टेबल सिलेक्ट करनी है आप लोग को, टोटल टेबल सिलेक्ट, कोमा लगाना था, उसके बाद में आप लोग को क्वांटिटी वाले पे क्लिक करना है कि आप लोग को टोटल टेबल में से क्वांटिटी चाहिए। अब क्वांटिटी किसके हिसाब बेस पे चाहिए, आपको बेस में चाहिए कि आइटम नेम और कंपनी नेम ब्लैंक वाला कॉलम भी होना चाहिए और आपका जो ये आइटम कॉलम है ये भी दोनों, ये दोनों होने चाहिए आपके। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तभी आपका डेटा मैच होगा कि आपका आइटम से मैच होगा, कंपनी से मैच होगा, तभी आपकी क्वांटिटी बता पाएगा, वरना आपका डेटा क्वांटिटी नहीं बताएगा। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला टफ है, थोड़ा सा समझना भी टफ है और लगाना भी टफ है। एक बार लगा लोगे बाकी के फंक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, आइटम वाला कॉलम भी, ब्लैंक कॉलम भी, कंपनी कॉलम भी, ब्लैंक कॉलम भी, चारों एक साथ आप लोग को सिलेक्ट करने और कोष्टक बंद करना है। जैसे आप लोग कोष्टक बंद करेंगे वैसे आप लोग एंटर करेंगे और नाम सेम होंगे आप लोग के डेटा में, तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पर डेटा आपको दे देगा। एंटर करेंगे तो देखिए आपको क्वांटिटी दे रहा है 114 कि पूरी टेबल में आपके 114 क्वांटिटी है। अब आप लोग यहाँ पर डालेंगे कि मुझे ओनली रेम की जाननी है, तो देखिए रेम की आ गई 65। अब आप बोलोगे सर आप लोग सम ही क्यों लगाए हैं, ये तो डी सम ही बता रहा है आप लोग को क्वांटिटी। तो भाई बता तो ये भी देगा आप लोग को, बट आप लोग को ये टोटल वाले अलग अलग डेटा के हिसाब से आप लोग को डेटा जानना है। तो अब आप लोग को इसको सिर्फ कंपनी के लिए बना रहे हैं कि आइटम नेम और कंपनी के हिसाब से डेटा आना चाहिए। तो मैंने जैसे मान लीजिए ए बी सी का डेटा ही मुझे जानना है, मैंने एंटर किया तो देखिए आप लोग को ये बोल रहा है कि एबीसी का जो माल आपके पास है, आपके गोडाउन में जो माल पड़ा है आपके पास, एबीसी कंपनी का जो माल है, उस आपके पास 60 क्वांटिटी के अंदर आप लोग के पास रिकॉर्ड है। अगर आप लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का डेटा आप लोग देंगे तो देखिए एक्स वाई जेड का डेटा भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने पहले जो टेबल के अंदर ये डायनेमिक बनाया है, ये यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये एक बार फिर से बता देता हूं कि यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन बना के रखे ब्लैंक कॉलम पे, आप डेटा मेन्यू में जाएंगे और आप लोग यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाकर आप लोग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर जाकर इन डेटा को आप लोग सिलेक्शन बनाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपके पास यहाँ पर आइटम की एक लिस्ट बन जाएगी। आप लोग जो भी देना चाहते हैं उस आइटम की आप लोग यहाँ पर लिस्ट पा सकते हैं और यहाँ पर भी कंपनी वाली भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने प्रोसेस में बताया कि मैं बार बार ये डेटा बताऊंगा, रिपीट होता रहेगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा होगा वीडियो। तो आप लोग आगे बात करते हैं अपने फंक्शन पे। तो देखिए आप लोगों को कंपनी के हिसाब से, आइटम नेम के हिसाब से आप लोगों को क्वांटिटी बता रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है अपने पास डी एवरेज। देखिए डी एवरेज का मतलब होता है कि आपके पास एक एवरेज वैल्यू, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास ऐसा आता है कि भैया आपके पास रेम, टोटल रेम पड़ी है, बट आपके पास मान लीजिए कोई रेम आई है 100 रुपए की, कोई रेम आई है 120 रुपए की, कोई रेम आई है 150 रुपए की, कोई रेम आई है आपके पास 200 रुपए की। भाई अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेटों की रेम होगी आपके पास। अब कोई कस्टमर ऐसा है कि भैया मुझे 200 रेम चाहिए, आपके पास 200 रेम है, बट वो सभी रेम आपकी अलग अलग रेट में है। अब वो बोला कि मुझे तो भैया एक रेट में ही 200 रेम चाहिए, तो आप लोग उसका एवरेज कैसे निकालोगे कि टोटल माल को आप लोग सेल करना चाहते। देखिए ज्यादा माल सेलिंग में होगा, अगर आप लोग उसमें कम बचत ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, माल ज्यादा बिकेगा तो आपकी सेलिंग बढ़ेगी, तो व्यापार प्रॉफिट में ही रहता है, लॉस में नहीं है अपना। सेल बढ़ती रहेगी तो अपना व्यापार प्रॉफिट में ही रहेगा। तो आप लोग इन फंक्शन का प्रयोग करके आप लोग अपने व्यापार को डायनेमिक बना सकते हैं और इन सभी चीजों का प्रयोग करके, फंक्शनों का प्रयोग करके आप लोग अपने स्टॉक को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो यहां पर आ रहा है डी एवरेज, मतलब आप लोग टोटल आइटम का एक एवरेज निकालना चाहते हैं कि चलो कोई ना 100 रुपए की आ रही है, 120 की आ रही है, उधर बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। तो एक एवरेज वैल्यू में अपन लोग क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को बेस देते हैं ताकि जल्दी माल बिक गया अपन को और मंगाना होगा, फिर ज्यादा बिक जाएगा अपन को सेलिंग आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक एवरेज वैल्यू भी अपन लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए सभी फंक्शंस अलग अलग प्रक्रिया में काम करते हैं। अब इसमें भी कह रहे हैं कि आप लोग आइटम नेम कंपनी नेम के हिसाब से अपन लोग यहाँ पर डी एवरेज जानना चाहते हैं। एक तो आइटम नेम के हिसाब से भी एवरेज जान लीजिए, साथ में कंपनी नेम को भी आप लोग जान लीजिए, दोनों बातें एक साथ बता देता हूं आप लोग को। तो यहां पर आप लोग चलते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया डी एवरेज, फंक्शंस का जरूर ध्यान रखें, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें। तो इक्वल डी एवरेज कोष्टक, सॉरी को टेप खुला है अपने पास,
तो यहां पर इक्वल डी एवरेज लगाया आप लोगों ने। इसके बाद वही बात, टोटल टेबल तो देखिए सब जगह सिलेक्ट करनी है आप लोग को, एसआर नंबर नहीं लेना है, टोटल टेबल सिलेक्ट कोमा। अब आप लोगों को यहां पर रेट के हिसाब से आ रही है, तो अब आप लोग को यहां पर रेट देना है। भाई क्वांटिटी जान रहे हैं ना आप लोग, तो अब रेट क्या है, रेट डिफरेंट आ रही है हर बार कि 200 250 150 अलग अलग रेट आप लोग के पास रेम की आ रही है। तो अब एवरेज निकाल रहे हैं आप लोग, तो रेट कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम पे क्लिक किया और फिर से आप लोग को वही देना है आइटम नेम कंपनी नेम ब्लैंक कॉलम के साथ, आइटम नेम वाला ब्लैंक कॉलम, कंपनी नेम वाला हेडिंग के साथ में आप लोग सेलेक्ट करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास टोटल एवरेज बता रहा है कि पूरा कंपनी का माल बेचना चाहो तो आप 449 रुपए में आप लोग बेच दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं तो यहां पर रेम बेच रहा हूं तो मैंने रेम बेच दी 325 रुपए में, कंपनी के हिसाब से नहीं टोटल रेम। अगर आप लोग कंपनी चाहते हैं कि मैं तो एबीसी कंपनी का माल बेचना चाहता हूं तो ये कह रहे हैं कि 300 रुपए में बेच दीजिए भैया, कि रेम देखिए आपके यहाँ पे 300 रुपए में आई हुई है, रेम देखिए यहाँ पे 300 रुपए में आई हुई है, यहाँ पे भी 300, यहाँ पे 400। तो ये कह रहा है कि 300 300 400, यहाँ मान लीजिए 350 कर दिए मैंने, तो यहाँ पर देखिए एक एवरेज बोल दिया है कि पूरी टेबल अपडेट हुई है आपकी। देखिए वहां पर सम इप वाला भी हुआ है, डी सम वाला भी हुआ है, टोटल वाला भी अपडेट हुआ है, सारा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हुआ है। तो मैंने पहले कहा था कि ये पूरी डायनेमिक अपडेट वाला टेबल है, ये पूरा स्टॉक डायनेमिक करता है, इस प्रकार से आप लोग की एक टेबल बना के तैयार कर देगा आपके पास। तो इस प्रकार का डेटा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास आता है डी काउंट। देखिए आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड भी काउंट करके रखना चाहते हैं कि अब तक एंट्री कितनी आ गई अपने पास, तो आप लोग को यहाँ पर एंट्रीज भी काउंट करके आप लोग को बताएगा। तो यहाँ पर अपन लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, डी काउंट मतलब टोटल एंट्री कितनी मार चुके हैं अपन लोग, वो भी बता देगा और ये आइटम भी बता देगा। जैसे मान लीजिए अपन लोगों ने कंपनियों को ऑर्डर दे रखा है, मान लीजिए 50 ऑर्डर दे दिए मैंने रेम वाली कंपनियों को, अब 50 एंट्रियों में से मात्र मेरे पास 15 ही माल की एंट्री आई है, तो बाकी की एंट्रियों के लिए अपन लोग उनसे कॉन्टेक्ट तो करना होगा। तो इस प्रकार का डेटा इस्तेमाल करने के लिए अपन लोग डी सम का प्रयोग कर सकते हैं, टोटल रिकॉर्ड काउंट को। तो यहां पर फिर से फंक्शन लगाएंगे अपन लोग। अब देखिए ज्यादा अपन लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं, अपन लोग को आने लग गया है। तो यहां पर अपन लोग फंक्शन लगाएंगे डी काउंट, डी काउंट लगाएंगे और इसके बाद में अपन लोग यहां पर वही टेबल टोटल टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर अपन लोग यहां पर कोमा लगाएंगे। अब डी काउंट रिकॉर्ड जानना है, क्वांटिटी के हिसाब से जान पाएंगे तो क्वांटिटी अपन लोग लगाएंगे, क्वांटिटी कॉलम क्लिक, कोमा लगाएंगे और आइटम नेम कंपनी नेम हेडिंग के साथ में ब्लैंक कॉलम सेलेक्ट, कोष्ठक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, सॉरी एंटर करेंगे तो देखिए आपका बोल रहा है कि 10 एंट्री आपकी लग चुकी है। अब आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने रेम कितनी मंगवा ली है, तो मैंने रेम लिखा, मैंने 4 रिकॉर्ड में मंगवाई है, मैंने बोला कि एक्स वाई जेड वाली रेम की एंट्री कितनी आ गई, भाई एक ही रिकॉर्ड आया है। तो देखिए आप लोगों को ये फुल डायनेमिक तरीके से बता रहा है ये पूरी चीजें कि भैया आप लोगों ने रेम तो मंगवा ली, एक्स वाई जेड कंपनी की जो रेम मंगाई वो ओनली एक ही एंट्री आई है। अगर आपने 10 रिकॉर्ड एंट्री के लिए आप लोगों ने ऑर्डर दे रखा है तो अभी 9 तो आया नहीं है, 9 के लिए आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करिए। तो इस प्रकार के डेटा को जानने के लिए ऑटोमेटिक ये डायनेमिक आप लोग के पास काम करेगी, ये डेटा भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ये लिस्ट भी आप लोग के पास यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है अपने पास डीमैक्स। देखिए डीमैक्स का मतलब ये होता है कि अपने पास कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि देखिए आपके पास 300 रुपए की भी रेम है, 500 रुपए की भी है, 400 रुपए की, कोई देखिए ऐसा भी व्यक्ति आता है कि मुझे महंगा आइटम चाहिए। अब महंगा आइटम के लिए अपन लोग वो आके बोलेगा कि भैया मुझे महंगी से महंगी आइटम बताइए कि आपके पास सबसे ज्यादा महंगा आइटम कौन सा है, कौन सी कंपनी का है मुझे बताइए आप लोग। तो फिर आप लोग क्या वहां पर ढूंढने बैठेंगे गोडाउन के अंदर, तो वो अपना समय ज्यादा अपने पास खपत होगा, इसलिए अपन लोग उस समय को बचाने के लिए यहाँ पर एंट्री मारेंगे तो अपनको ये भी बताएगा कि आपके पास सबसे महंगी वाले रेम कौन सी कंपनी की है। तो आप लोग यहाँ पर महंगे आइटम रेट के हिसाब से आप लोग जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाइए आप लोग डीमैक्स वाले फंक्शन पे। तो यहां पर आप लोग इक्वल लगाएंगे और डी मैक्स आप लोग यहां पर फंक्शन लगाएंगे, डी मैक्स फंक्शन लगाएंगे, कोष्ठक बंद करेंगे यहां पर। तो यहां पर टोटल टेबल फिर से सिलेक्ट, देखिए एसआर नंबर को हर बार मैंने बोला है कि एसआर नंबर को आप लोग को टेबल से बाहर रखना है, तो जैसे आप लोग यहां बाहर रखेंगे तो टोटल टेबल सिलेक्ट होगी। फिर आप लोग कोमा लगाएंगे यहां पर, फिर आप लोग को यहां पर रेट के हिसाब से जानना है, भाई रेट के हिसाब से तो महंगी रेट आप लोग को जानना है, ये बात जरूर ध्यान रखें कि जहां पर क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी और रेट चाहिए तो रेट वाला कॉलम आएगा। तो यहां पर अपन लोग रेट वाला कॉलम सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, आइटम नेम और कंपनी नेम के दोनों के हिसाब से अपन लोग को जानना है, कोष्ठक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये बोल रहा है कि महंगी से महंगा आइटम तो टोटल आइटम में से तो पूरे गोडाउन में से तो 1200 रुपए का है,
अब पूरे गोडाउन में आप लोग आइटम नेम के हिसाब से जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि रेम मेरे पास जो है वो 400 रुपए की मैक्सिमम रेम, ये मैंने पीछे भी बताया आपको कि 400 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए। अब मैं जानना चाहता हूं कंपनी, मैंने बोला एबीसी कंपनी का जो माल है वो देखिए बोल रहा है कि 350 रुपए भैया, 300 रुपए की, 300 रुपए की, 350 रुपए की एबीसी कंपनी का माल था महंगा। 350 रुपए का माल अपने पास महंगा है, बोलेंगे कि भैया एबीसी कंपनी का माल महंगा है, 350 रुपए का आप ले सकते हैं, तो अगर उसकी इच्छा होगी तो वो आइटम अपने से लेके जाएगा। तो ये टोटल आप लोग चाहते हैं कि पूरे स्टॉक को आप लोग चारों तरफ से कवर करके रखें ताकि फुल डायनेमिक डेटा अपना रहे और अपनी सेल बढ़ती रहे, व्यापार ग्रो करें। जितनी सेल बढ़ेगी व्यापार ग्रो करेगा, तो ग्रो करेगा अपनी इनकम बढ़ेगी तो व्यापार प्रॉफिट में रहेगा। तो इस प्रकार के डेटा को जानने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में लास्ट फंक्शन अपने पास आता है डी मिनी, तो इसके बाद में आप लोग इस फंक्शन को लगाते हैं वापस से डी मिनी, सबसे छोटी रेट जानने के लिए। भैया कोई तो ऐसा भी आता है कि मुझे सस्ता से सस्ता माल चाहिए, तो देखिए सस्ती रेट वाला माल चाहिए वो महंगी रेट वाला माल था, अब सस्ती वाली रेट वाला माल चाहिए तो आप लोग यहाँ पर डी मिनी लगाएंगे, कॉस्टक चालू करेंगे, वही फंक्शन अपन को इस्तेमाल करना है। टोटल टेबल सेलेक्ट करनी है, कोमा लगाना है, रेट कॉलम सेलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, और अपने पास आइटम नेम और कंपनी नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉस्टक बंद करना है, एंटर करेंगे तो देखिए सबसे रेट पूरे गोडाउन में माल में तो 120 रुपए वाला सस्ता माल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेम क्या रेट है, तो रेम बोल रहा है कि 300 रुपए है, और अगर आपको कंपनी के हिसाब से जानना है, मुझे जैसे एबीसी कंपनी का माल जानना है, ये बोल रहा है कि एबीसी का माल भी आपका 300 रुपए का आप लोग ले सकते हैं इसे, और एक्स वाई जेड का अपना थोड़ा महंगा होगा तो वो भी अपन लोग जान लेते हैं यहाँ पर एंट्री करके। जैसे मैंने बोला कि एक्स वाई जेड का माल अपने पास कोई और भी है, 400 रुपए एक ही एंट्री भरी हुई है अपने पास, अगर ज्यादा एंट्री होती तो फिर आप लोग को वो रेट भी बता देता। तो देखिए आप लोग को इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शंस इस्तेमाल करके इस प्रकार का डेटा जो गोडाउन में होता है उसको आप लोग फुल डायनेमिक तैयार कर सकते हैं, बट आप लोग को जब तक टेबल में डेटा कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप लोग का ये फुल डायनेमिक काम नहीं करेगा, क्योंकि बिना टेबल के ये डायनेमिक काम नहीं करता है, टेबल का ही नाम होता है डायनेमिक डेटा। तो आप लोग इस प्रकार के डेटा को यूज कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास समीप था, डी सम था, डी एवरेज था, काउंट था, मीन था, मैक्स था, इस प्रकार के फंक्शंस यूज करके एडवांस फंक्शन को और अपने गोडाउन को आप लोग क्या कर सकते हैं, इजी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, और क्वांटिटी को बता सकते हैं मालिक को। तो इस प्रकार का डेटा तैयार करने के लिए आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर